यह होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे, अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। केंद्र सरकार के लाए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन में खलल डालने का दावा किया गया है। सरकार से 12वें राउंड की बातचीत नाकामयाब होने के बाद किसान संगठनों ने आंदोलन में हिंसा की साजिश रचने का दावा किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को एक शख्स को दबोचा जो उनके प्रदर्शन में बाधा डालने से जुड़ी साजिश में लिप्त था। किसान नेताओं ने उसी आरोपी को साथ बैठाकर शुक्रवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आंदोलन में खलल डाले जाने की साजिश उसी से उगलवाई गई। नकाबपोश आरोपी ने स्वीकार किया है कि सिंगू बॉर्डर पर रेकी करने आया था और उसके गैंग के निशाने पर किसान नेताओं द्वारा 26 जनवरी को निकाली जाने वाली ट्रैक्टर परेड थी। दो जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे, अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधाना के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें और 14 अप्रैल जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे, जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को स्टेज पे जो चार लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है, चार लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राई थाने का एसएचओ है, वो राई थाने का कौन है, थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? राई थाने में प्रदीप एसएचओ है, वो कभी हमने थाने के आगे देखा नहीं। और जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता था। उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर, कौन सर? उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं। सर हमारे पास नहीं है। आप देख सकते हैं कि पकड़े गए व्यक्ति ने कहा है कि उसे निर्देश हरियाणा पुलिस के एक अफसर प्रदीप ने दिए थे। साथ ही शख्स ने बताया है कि उनको चार किसान नेताओं पर फायरिंग के लिए आदेश था, जिनकी उनको फोटो भी दी गई है। हालांकि इस दावे पर अभी तक सरकार या हरियाणा पुलिस का कोई बयान सामने नहीं आया है। इस व्यक्ति को अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मामले पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हमारा सबसे बुरा डर सच साबित हो रहा है। इससे समझ में आता है कि वे किस तरह से किसान आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को ही केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि अगर इस आंदोलन का हल जल्द से जल्द नहीं निकला तो आंदोलन में गलत और खतरनाक लोग घुसपैठ कर सकते हैं। इस बीच कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ विफल हो जाता है तब तानाशाहों के लिए सच की हत्या ही एकमात्र जरिया बचता है, शायद ये भी फेल हो जाए। जानकारी के मुताबिक आरोपी शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 11वें दौर की बैठक बेनतीजा रहने के साथ ही किसान नेताओं ने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दी थी। वार्ता के पिछले 10 दौर के विपरीत 11वें दौर की बैठक में अगली बैठक की कोई भी तारीख तय नहीं हो पाई और दोनों पक्षों ने अपने रुख को कड़ा कर लिया। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।